सर, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इतने काबिल लड़के नहीं मिलते। सब मिलता है, तुझे ढूंढना नहीं आता, समझा? अबे बिकता है, सब बिकता है। Everything is possible, possible करने वाला चाहिए। लेकिन तुमने कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मुझे बता क्या करें, क्या करें, कहां से लाएं लड़का, कहां से लाएं? मेरा नाम ECL पे, अपना मैं खुद जाके हैंडल करता सब कुछ। कोई है तेरे जहन में? बोल, कोई है? चला जा, ऐसे चला जाओ ना, मार दूंगा, निकाल। क्या हो गया तैयबा, क्या हो गया बेटा? क्यों इस आदमी की टोह में लगी रहती हो, अपने आप को टॉर्चर करती रहती हो तुम? अरे रोएगा पछताएगा सारी जिंदगी, किस खानदान से रिश्ता तोड़ा है इसने? मकार है, बुजदिल है साला। और बुजदिल लोग कभी भी अच्छे शौहर साबित नहीं होते। प्लीज ये रोना धोना बंद करो। हाँ सायरा, फौरन आ यार। हाँ फौरन आ। तैयबा चलो खा लो ये, कम ऑन। चल खा ले बेटा, खा ले दवाई। इससे क्या होगा? सुकून मिलेगा। वो तो नहीं मिलेगा तैयबा, ना यू ओवर रिएक्टिंग। मेरे घर में भी रुदाबा है तुम्हारी उम्र की, एंड शी इज बीन थ्रू सो मच। किस हादसे से गुजर के आई है वो? उसका बाप हादसे में मारा गया, उसका मंगेतर उसे छोड़ के चला गया, ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान वापस आएगा या नहीं, उसे शादी करेगा या नहीं, बट फिर भी वो किसी को शो नहीं कराती है कि वो कितनी दुखी है, सारा दिन रोती रहती है। But she's hanging in there. उसे अपने faith को बहुत strong करके रखा हुआ है। रुदाबा, 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 क्या वास्ता है मेरा रुदाबा के साथ? उसके भाई में और मेरे भाई में बहुत फर्क है। उसे तो कोई भी मिल जाएगा। उसके बाप का नेक नाम है इस दुनिया में। मेरा भाई, सारी दुनिया नफरत करती है हमारे भाई से, कोई अच्छा नहीं समझता हमें, कोई भी नहीं अपनाएगा कभी भी। I know where this is coming from. सलमान की बाप की बकवास तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है। उनको लगता है ना कि तुम्हारा भाई हलाल नहीं खाता तो ठीक है, नहीं खाता। दुनिया कौन होती है फैसला करने वाली? और जहां तक बात है रुदाबा के भाई की रेपुटेशन की, तो वो तुम्हारे भाई का बिजनेस संभाल रहा है तैयबा। जो प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ती है वो उसको भी फेस करनी पड़ती है। तुम्हें लगता है उसकी शादी बहुत आसानी से हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। तुम्हें पता है उसका मंगेतर उसे डंप करके चला गया, वो वापस नहीं आएगा। Now that is a very big rejection, and rejection is very painful, Tayyaba. लेकिन फिर भी इस दुख का एहसास तुम कभी भी महसूस नहीं करोगी, क्योंकि वो कभी भी शो नहीं करती। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन? चलो अगर ऐसा है भी तो खुद को कैसे अलग करूं तुमसे कि तुम खुशगवार हो जाओ, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हें किसी अच्छे इंसान के हवाले कर दूं, फिर खुद ही दूर चला जाऊंगा तुमसे। मेरी वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में ना हो, मगर ऐसे किसी के आसरे कैसे छोड़ के चला जाऊं तुम्हें? किसके आसरे पे छोड़ूंगा, मुझे कैसे सुकून आएगा? किस तरह की बातें कर रहे हो बशर?
इधर देखो, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तुम सिर्फ हमारे भाई नहीं हो बशर, तुम्हें अंदाजा है कि तुम हमारे लिए क्या हो? तुम हमारे लिए बाप बने, तुम हमारे लिए माँ बने, तुम हमारे लिए दोस्त बने, हमारा सहारा बने। अरे तुमसे तो सौ रिश्ते हैं हमारे। सो सॉरी बशर भाई, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। सो हमारा जाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो तुम्हारा दिया हुआ तोहफा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरा नाम अगर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं होता तो मैं खुद चला जाता। इस कंपनी के तुम दोनों बराबर के शेयर होल्डर हो, अब संभालो सब कुछ। पहले की बात और थी, अब रुदाबा भी मेरे पास ही रहती है। सो अगर तुम्हारे घर में रह रही है तो यहाँ पे रहते हुए उसको क्या प्रॉब्लम होगी? कब जाना है? कल। मेरी गौस भाई से बात हो गई, प्राइवेट जेट पकड़ो, फौरन निकलो। अगर देर हो गई तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। समझाओ इसे, 90 करोड़ का मामला है। बकवास बंद कर, पंसारी की दुकान पर बैठा हुआ हूं मैं। 50 करोड़ से कम की डील हुई ना तो तुझे बैठा दूंगा किसी मोची की दुकान पे, समझा? हाँ, मुझे बंद कर फोन, काम कर जो कह रहा हूं। क्या हुआ? क्या हो गया? तुमसे पूछ रहा हूं, क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? करोला। अच्छा, छोटी गाड़ी है, खूब झटके लगते होंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे अनकंफर्टेबल हो रही हो जैसे रोल्स रॉयस में बैठती हो। मेरे अब्बा की ड्राइविंग बहुत स्मूथ थी। अबे मैं तो 60 साल के बुड्ढे की तरह गाड़ी नहीं चला सकता ना। ये देखो सामने बुड्ढा। अबे इनकी वजह से हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। अबे और ये पुलिस वाले खड़े होकर सिर्फ शक्ल देख रहे होते हैं। अबे कुछ कर लो। आदिल ने गिफ्ट की थी? अब्बा ने लेके दी थी। अब्बा ने लेके दी थी, हलाल के पैसों की है। चलाऊं तेज चलाऊं? नहीं। And here we go. शाबाश। भाई अब तो खूब मस्तियां करनी है हम लोगों ने, ठीक है? आपके जानवर भी आपका इंतजार कर रहे हैं और खालों को चल के सबसे पहले सरप्राइज देते हैं। पता नहीं सो रही हैं जाग रही हैं। एक तो इनकी टाइमिंग का पता नहीं होता, कब सोती हैं कब जागती हैं। अब आप आ गई हैं तो सेट कर दीजिएगा इनकी टाइमिंग।
तैयबा, देखो भाई हमारे घर की रौनक आई है, जाओ परी से जाके खाला से मिलो, जाओ। खाला क्या हुआ, आपको भी अपने मम्मा बाबा याद आ रहे हैं? नहीं बेटा, आपकी खाला तो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें उनके मामा बाबा याद नहीं आते, वो तो आपको देख के खुशी से रो रही हैं। अरे मैं आपके लिए एक बड़ा प्यारा डॉगी लेकर आया हूँ, वो देखा आपने? नहीं मरियम, जाओ भाई जाके हमारी शहजादी को डॉगी दिखाओ, जाओ जाओ जाओ, कम ऑन, गो गो गो। व्हाट इज दिस तैयबा? परी से पहले ही अपसेट है अपने माँ बाप के बाहर जाने की वजह से, और तुम उसके सामने इस तरह से रो रही हो। बशर भाई, मेरा दिल करता है मैं हर इंसान के गले लग के रो, उसे ये बताऊं कि दो दो लड़कों ने मेरे इमोशंस के साथ खेला है, मेरे साथ मोहब्बत के दावे करके मुझे बुरी तरह धुतकार दिया है। सिर्फ एक घर बसाने की खातिर मैंने दो दो लड़कों के नाम की अंगूठियां पहनी है, जिन्हें उनके खानदान वाले मेरी उंगलियों से नोच कर ले गए, ये कहकर के मैं किसी शरीफ खानदान की बहू बनने के लायक नहीं हूँ। प्लीज बस कर दो इस बात को, सारा को देखो, उसकी भी तो शादी हुई है आदिल से। क्या था आदिल? एक भूखे नंगे ईमानदार अफसर का बेटा, जमीन से उठा के अर्श पे बिठा दिया मैंने उसे। तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा बेटा, इस तरह से मत करो। परीज से अब हमारे घर में है, आदिल की बहन रुदाबा यहाँ पर, उनके सामने अपने आप को कमजोर मत शो करो, थोड़ा कंट्रोल करो प्लीज। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है? जी सर। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो, और ये क्या घर में भी इसी तरह से पर्स डाल के फिरती हो? वो मुझे नहीं पता मुझे किस कमरे में जाना है। क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो? लड़की यहाँ बैठी हुई है पर्स डाल के, कंधा थक गया होगा उसका, कौन से बताएगा उसका कमरा कहाँ है? सर रूम तो रेडी है। रेडी है तो लेके जाओ। सुनो, वो परी से अभी बाहर खेल रही थी, उसके कपड़े गंदे हो गए, उसे नहला धुला के चेंज करा के कुछ खिला देना, और फिर अगर वो सोना चाह रही है तो उसे सुला देना। तुम इसे छोड़ के वापस आओ मेरे पास, और ये कर देना जल्दी। मैं I'm sorry, आपको कमरा बताने में देर होगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब जब भाई और भाभी जाते हैं तो परीज़ इस कमरे में रहती है। ये उनके मूड पे डिपेंड करता है, कभी वो सर के साथ रहती हैं और कभी तैयबा मैम के साथ, और कभी तो अपनी गवर्नेंस के साथ रहती है। प्लीज मैम। क्या कर रही हो तुम, दाल खिलाओगी परीजे को? गरीबों वाला खाना, परीजे वही खाएगी जो मैं खा रहा हूं। ये लो बेटा ये खाओ, अब ये तोड़ के खिलाओ इसे। उड़ाए मॉन्स्टर।
डर तो कुछ और मंगाते हैं, परेशान नहीं होना। मॉन्स्टर। B-E-A-U, Beauty and the Beast. ये है ब्यूटी बिल्कुल आप जैसी, और ये है बीस्ट। इसकी शक्ल देखो कितनी स्केरी है, तुम्हारे मामू जैसी शक्ल है ना? तुम्हारे मामू तो बहुत अच्छे, बिल्कुल आसमानों से उतरे, इतने अच्छे कि अपनी वो जो ऊट पटांग सी गाड़ियां ना, उनको बिल्कुल जंगलियों की तरह ड्राइव करते हैं, सिग्नल भी सारे तोड़ते हैं। आई एम श्योर वो इतने अच्छे हैं कि अपनी सारी की सारी तमीज आसमानों पे भूल आए। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे मामू। वैशी दरिंदा कहीं का, मेरे मरहूम बाप के बारे में कहता है 60 साल का बुढ़ा। बुढ़ा है वो खुद, शक्ल देखी उसने, कोई तमीज नहीं। पर जब तुम बड़ी हो जाना तो चेक जरूर करना। आई एम श्योर इस शख्स ने ना मेंटल हॉस्पिटल में बहुत वक्त गुजारा है, बल्कि आई एम श्योर सबसे डेंजरस वार्ड में वक्त गुजार के आया होगा। क्रिमिनल कहीं का, इतने कौन इससे इंप्रेस होता है? तुम प्लीज मत होना, ठीक है? जब बड़ी हो जाना तो मेरे जैसी बनना, अपने उस बीस्ट मामू की तरह नहीं। क्या है? कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना परी, जल्दी से खाना खाते हैं फिर बारिश में नहाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, इसे खाना खिला के सुला देना, फिर होमवर्क भी करना है इसने। बेटा अब बारिश में नहीं जाएंगे। मामू प्लीज। प्लीज बेटा, हमारे नौकरों के बच्चे खेलते हैं बाहर बारिश में। मैं नहीं चाहता कि सड़क छाप वाले लोगों की आदत आप में आए। आप तो प्रिंसेस है ना, और अगर आप गई बारिश में तो मैं नाराज हो जाऊं। पप्पा मुझे बारिश में नहाना है। पर ये रहने दो, बीमार हो जाओगी। पप्पा प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या? आपने अपने मामू को नहीं बताना। ओके। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो जल्दी से चलते हैं। Thank you.
माय गॉड रुदाबा, तू तो जानती हो बशर भाई को, वो तो हमें जान से ही मार डालेंगे. यू नो हाउ टची ही इज फॉर परीजे. शिट, तो जान से मार डालेंगे हमें रुदाबा. रुदाबा ओश बशर भाई, ही इज सो गोइंग टू किल अस. रुदाबा थर्ड क्लास औरत, जब मैंने तुझे मना किया था कि मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कैसे लेके गई बच्ची को बाहर? तो जवाब दे मेरी बात का, कैसे लेके गई थी तू बारिश में? अगर उसे कुछ हो गया तो बोल, जवाब दे. रुदाबा, बशर भाई, हर कोई आपका आदाब नहीं सह सकता. मैं मां है, वो हमारी आदिल भाई की बहन है. क्या कर रहे हैं आप? रुदाबा, रुदाबा प्लीज आंखें खोलो. रुदाबा, बशर भाई, रुदाबा क्या हुआ? पानी लेकर आओ, पानी लाओ. रुदाबा, रुदाबा प्लीज उठो. रुदाबा, रुदाबा, रुदाबा प्लीज आंखें खोलो. रुदाबा होश में आओ प्लीज. रुदाबा, रुदाबा, फरीजे कहाँ हैं? जी पियानो वाली टीचर आई हैं. और तैयबा? मैम अपने रूम में. तैयबा बेटा, ये कोई वक्त है सोने का भला? तैयबा उठो, अभी बारिश में तो तुम बिल्कुल ठीक थी. Come on, get up. Tayyaba. Tayyaba. What is this? बशर भाई, आप यहाँ? तुम यहाँ तो फिर? वो असल में इसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने इसे अपने कमरे में सुला दिया. क्या हुआ, आप मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं, ऐसे ही बस मैं देखने आया. तुम्हें क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? ओह गॉड, मैं इतना डर गई. जी सुनो, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कहीं बाहर जाओ, मेरी वजह से अपने आप को कैद ना करो. अच्छा, मुझे कहीं नहीं जाना. अब मैं जाऊंगी भी कहाँ? अपने फियांसे के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा. हाँ, तुम्हारे भाई के डर से तो मैं भी ना जाऊंगा. रुदाबा, उन्होंने मेरे भाई की डर की वजह से मेरी मंगनी तोड़ दी. तैयबा क्या कह रही हो? मंगनी तोड़ दी? लेकिन वो तो तुमसे बहुत प्यार करता है. रुदाबा, इस दुनिया में अब बहुत फेक मोहब्बत है, बिल्कुल फेक मेडिसिन की तरह, बेअसर और खतरनाक. कुछ तो हुआ होगा. कुछ नहीं, उन्हें मेरा भाई पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो ठहरे हलाल खाने वाले और हम लोग. तैयबा, तुमने बताना था उन्हें, ये बिजनेस, ये पैसा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाई का है. रुदाबा, जब किसी ने रिश्ता खत्म करना होता है ना,
वो अपना दिल दिमाग कान सब बंद कर लेते हैं। अब तो उसने निकाह भी कर लिया है। मैं जानती हूँ उसे मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी इंसल्ट थी, लेकिन वो मुझे बहुत याद आता है रुदाबा। मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे इकट्ठे, अब वो सब ख्वाब मेरा मुंह चिढ़ाते हैं। जनरेटर नहीं चल रहा क्योंकि बोर्ड में पानी चला गया है, पूरे घर में अंधेरा है। जाओ जाके इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ। सर वो आज छुट्टी पे। अबे तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भाग! तुम जाओ परिजे के पास, डर रही होगी वो, और आराम से जाओ, तेज जाओ। बंदा भेज कोई यार, इलेक्ट्रिशियन चाहिए मुझे फौरन। ये चीखें ये धाड़े अब मेरा सांस रोकती हैं यार उदाबा। कौन? मैम आपसे मिलने के लिए कोई रमजान चाचा आया है। रमजान चाचा इस वक्त? यस मैम, रमजान चाचा। पता नहीं क्या हो गया इस वक्त, जाओ देखो तो सही। मैं देखती हूँ। I'm okay. You sure? I'm okay. Okay, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ मैं भी आई। हाँ यही रहना। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, इस तरफ ख्याल गया ही नहीं। डैड से कांटेक्ट ना होने की वजह से परेशान हुआ। मैं तो परेशानी दूर करने आया था, बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यार ये भाई ने आपको कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, 3 दिन तक आपसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, आपका नंबर नहीं मिला, हमारे पास था ही नहीं कोई नंबर। जब तीसरे दिन आप नहीं मिले, अंकल को अपा के साथ दफना दिया। I'm so sorry for your loss. I'm sorry. मुझे भी अंकल का बहुत दुख है। देखिए आप प्लीज इस तरह रोइए मत, आपके भाई भी यहाँ नहीं है जो आपको संभाल सके। आई थिंक आके मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। आपने डिस्टर्ब नहीं किया। आई थिंक मुझे जाना चाहिए, मैं यहाँ और आया तो आपको और डिस्टर्ब कर दूंगा। आपकी चाबी।
मैं जानता हूँ, आई विल मैनेज, आई विल टेक लीव नाउ। आइए रमजान चाचा। आनी साहब, आपका सामान कहाँ? ऊपर रखते हैं डैड के कमरे में। आपका सामान मैंने रख दिया है, और किसी चीज की जरूरत बेटा? नहीं, बस वो वार्डरोब की चाबियां नहीं मिल रही मुझे, वो कहाँ है? वो रुदाबा बिटिया के पास होंगी ना, वो बख्तियार साहब ने ना दो सेट बनाए हुए थे, एक अपने पास रखते थे, एक रुदाबा बिटिया के पास होता था। बख्तियार साहब की कोई भी चीज अगर आपको न मिले ना, तो रुदाबा बिटिया से पूछेगा, उसे सारा मालूम है। आपके पास नंबर है रुदाबा का? बोले 4376729।